दोस्तों नमस्कार, निशान टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं थ्रोटल बॉडी को कैसे क्लीन किया जाता है। डैटसन गो गाड़ी है, ठीक है, इसकी थ्रोटल बॉडी आज हम क्लीन कर रहे हैं। बट जो प्रोसेस मैं इस गाड़ी में बता रहा हूँ क्लीन करने का, किसी भी ब्रांड की गाड़ी हो, चाहे वो निशान हो, चाहे वो डैटसन हो, चाहे वो रेनो हो, रेनो को रेनोल्ट भी बोल देते हैं, ठीक है, चाहे वो होंडा टोयोटा कोई से भी ब्रांड की गाड़ी है, अगर थ्रोटल बॉडी धोना है तो जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ वो ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे आप लोगों को बताते हैं कि गाड़ी स्टार्ट की, स्टार्ट करने के बाद एक्सेलरेटर दिया बहुत बुरी तरह 2000-3000 RPM पे, और इस थ्रोटल बॉडी के अंदर रस्ट ऑफ मारते रहते हैं, ठीक है। अब उसका कितना बड़ा नुकसान है ये कभी नहीं बताते, ठीक है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके दिखा देंगे कि हाई RPM की दिक्कत आ रही है, RPM अप डाउन हो रहे हैं, एंड ये चीज़ नहीं बताएंगे जो इसके अंदर थ्रोटल बॉडी के अंदर जो ब्लैक ब्लैक करके जो गंदी सी वो होती है ना, गंदगी सी होती है। अब क्या होगा जब गाड़ी स्टार्ट करके 2000 RPM से ऊपर गाड़ी स्टार्ट करके रस्टॉप इसके अंदर मारेंगे तो वो सारा कचरा कहाँ जाएगा, वो कचरा सारा इंजन के अंदर जाएगा दोस्तों, ठीक है। वो कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं जो कुछ फ़ायदा करेगी जाके, जब वो इंजन के अंदर जाएगी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान ही करेगी, ठीक है ना दोस्तों। एक तो ये हो गया सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट कि वो लोग नहीं बताते कि इसको इस तरीके से क्लीन नहीं करना है कि सारा कचरा अंदर जाए। आज मैं आपको बताऊंगा बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीका जो अंदर इसके कचरा भी नहीं जाएगा और थ्रोटल बॉडी को आप बिना खोले क्लीन कर सकते हो, ठीक है, बाहर खोलने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है हम बाहर खोल देते हैं तो पीछे देखिए इसमें थ्रोटल बॉडी एक्चुएटर लगा हुआ है, सॉरी सेंसर लगा हुआ है यहाँ पर। अभी जब मैं एयर फिल्टर निकाल लेता हूँ तब आपको वो सेंसर भी दिखाऊंगा। सेंसर को निकालते ही जो इसकी लर्निंग होती है, थ्रोटल बॉडी की लर्निंग होती है, जो पोजिशन होती है, जो कह देते हैं उसको स्टैंडर्ड वैल्यू होती है कि जितने RPM पे इसको खुलना है, कितने पे नहीं खुलना है, वो सारी सेटिंग आउट हो जाती हैं खुलते ही, ठीक है। तो उसके लिए फिर सिस्टम लगाना पड़ता है या उसको रीसेट करना पड़ता है, ठीक है, और वो आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आज आपको दिखा रहा हूँ बिना खोले थ्रोटल बॉडी को कैसे क्लीन करना है। और दूसरा, एक तो ये हो गया जो गंदगी अंदर जाती है उससे कोई फ़ायदा तो होगा ही नहीं, इंजन के अंदर कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा। दूसरा ये होता है नुकसान जो कि वो लोग नहीं बताते हैं दोस्तों, RPM क्या होता है, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते ही एकदम इंजन को पूरी तेज़ 2000 या 3000 RPM पे राउंड कराते हैं, मतलब घुमाते हैं। अब क्या होगा, आपको आपने देखा होगा जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं स्टार्ट करके गाड़ी को 2 से 3 मिनट तक एक्सीलेटर नहीं देते हैं, ठीक है, वो क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि इंजन ऑयल जो है उसको पूरे इंजन में घूमने के लिए, हर एक पार्ट में घूमने के लिए, जैसे कनेक्टिंग रोड हो गया, पिस्टन हो गया, ऊपर हेड के वाल है, वाल सील है, केम शाफ्ट है, हर एक इंजन के कंपार्टमेंट पे जो इंजन के अंदर पार्ट लगे हैं वहाँ तक पहुँचने में इंजन ऑयल को 2 से 2.5 मिनट लगता है, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, थ्रोटल बॉडी क्लीन करते टाइम गाड़ी स्टार्ट की, स्टार्ट करते तुरंत एक्सेलरेटर देना स्टार्ट कर दिया, उस कंडीशन में क्या होगा, इंजन ऑयल पहुंचा नहीं और जो भी पार्ट हैं इंजन के अंदर वो बिना ऑयल के वो होना स्टार्ट हो गए, मतलब उनमें फ्रिक्शन आना स्टार्ट हो गया, और जब इंजन ऑयल पहुंचेगा नहीं तो वो पार्ट जल्दी से ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो दूसरा नुकसान ये है, इंजन के अंदर भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो थ्रोटल बॉडी क्लीन करते हैं ना, आपको RPM दे के और थ्रोटल बॉडी मार दिया और सारा कचरा अंदर, ये चीज़ें नहीं बताते दोस्तों, बस आपको दिखा दिया प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, हाई RPM की, लो RPM की, या पिकअप नहीं ले रही गाड़ी, तो ये बहुत ही गलत तरीका है। आज बेस्ट और बहुत अच्छा तरीका मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखिए इस एयर फिल्टर बॉडी को पूरा कंप्लीट खोलना पड़ेगा, यहाँ से इस ब्रैकेट में से इसको ऐसे यहाँ उंगली दबा के बाहर की तरफ पुल कर देना है, ये बाहर, ठीक है, एंड एक बोल्ट ये रहा, एक बोल्ट यहाँ पर है दो, और ये स्क्रू ड्राइवर से प्लास से इसको दबा के ये पीछे कर देंगे पाइप, और 8 की T से इसको लूज़ कर लेंगे, लूज़ करके ये पूरी कंप्लीट एयर फिल्टर बॉडी बाहर आ जाएगी। इसको खोलने में ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, 2 मिनट में आराम से खुल जाएगी 10 की T से, ठीक है, ये 10 की T है, ये देखिए 10 mm, अगर आपको दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा तो कोई बात नहीं यार, 10 mm की T लगा लेना आप, चाबी लगा लेना या T,
ठीक है, और इसको एयर फिल्टर बॉडी को बाहर निकाल लेना। इसके सारे बोल्ट वोल्ट खोलने के बाद दोस्तों ये यहाँ से निकल गया, यहाँ से ये बोल्ट खुल गए दोनों, एक ये पाइप निकल गया, ये लूज़ हो चुका है। अब ये वाला पाइप जो देख रहे हैं ना, ये जो होता है कैनस्टर पर्ज वाल होता है, PCSV, ठीक है, इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है। पर्ज कंट्रोल सोलेनोइड वाल होता है, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट एक्चुएटर होता है गाड़ी के अंदर, ठीक है, तो वाल होता है एक्चुअली, ठीक है दोस्तों। तो इसका ना ये पाइप जा रहा है, यहाँ ये पाइप देख रहे हो, और यहाँ पीछे आके इसमें लॉक में फंस गया ये, सही से देखो यार। तो जब एयर फिल्टर बॉडी हम खोलेंगे तो यहाँ से भी हमें निकाल लेना है, पता लगा हमने झटका मार के ही निकाला तो यहाँ से इसकी बॉडी टूट गई और ये पर्जवाल ख़त्म मतलब ख़राब हो गया, और ये 7 से 8 हज़ार रुपये का आता है, ठीक है। तो ये कनेक्ट, ये जो है ना, हमें ये पाइप यहाँ से इसको निकाल देना है, निकाल के पीछे कर देना है, ठीक है। अब इसको एयर फिल्टर बॉडी को हम बाहर निकाल लेंगे। तो अभी दोस्तों ये यहाँ से एयर फिल्टर बॉडी निकल गई है, और ये होता है वो थ्रोटल बॉडी एक्चुएटर का इसका कनेक्टर, ठीक है, और अंदर इसके यहाँ मोटर होती है सेंसर, ठीक है, जिसको हमें लर्न करना पड़ता है। ये देखिए इसके अंदर मोटर होती है, एंड अगर आप देख रहे हो तो ये देखिए नीचे इसमें ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है कुछ ब्लैक ब्लैक, ये देखो। अभी मैं क्या करूँगा, इग्निशन ऑन करूँगा और एक्सीलेटर पैडल को जब नीचे दबाऊँगा ना, प्रेस करूँगा, तो ये चिड़िया खुल जाएगी और अच्छी तरीके से इसमें गंदगी आपको दिखाई देगी। पहले करना है इग्निशन ऑन, आपको भी जब, क्योंकि आप अकेले होंगे तो आपको थ्रोटल बॉडी क्लीन कर अकेले ही करना पड़ेगा। एक्सीलेटर पैडल को दबाना है, ठीक है, एक्सीलेटर पैडल आपने दबा लिया, अब मैं आगे दिखाता हूँ ज़रा। तो आप कुछ साउंड सुन रहे हैं, एक्सीलेटर पैडल जैसे ही दबाया तो ये देखिए चिड़िया पूरा खुल गया ना, और अंदर देखो गंदगी कितनी है इसमें, देख रहे हो। अभी अगर मान लो जो YouTube पे दिखाते हैं लोग गाड़ी स्टार्ट करके और यहाँ पूरा, क्योंकि वो रस्ट ऑफ मारते हैं, वो सीधा कहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ही सक होती है एयर, इंजन यहाँ से ही सब कुछ अंदर खींचता है। अब जब वो सारा अंदर जाएगा तो क्या हाल होगा यार इंजन का, ये आप सोच सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको दोबारा एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ये खुलती कैसे है। अभी मैं एक्सीलेटर पैडल छुड़वाता हूँ उनसे, जैसे ही वो दबाएंगे आपके सामने खुलेगी, ये देखा, ये देख रहे हो। तो मैं बंद करा रहा हूँ, ऑन करा रहा हूँ, तो ये देखो जैसे ही एक्सीलेटर पैडल हमने प्रेस किया ये खुल गया। अभी आपको इस कंडीशन पे क्या करना है, एक्सीलेटर पैडल के ऊपर कोई ऐसी चीज़ रख देनी है जो भारी सी हो, उसको दबा के रखे, और यहाँ पर क्या करना है मैं वो चीज़ आपको दिखाऊंगा जो बेस्ट तरीका है इसको क्लीन करने का। तो दोस्तों अब आप अकेले हो, आपको करनी है थ्रोटल बॉडी क्लीन, और ये चिड़िया जब खुलेगी, जब भी आप क्लीन करोगे, तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल और साधारण सा जुगाड़ कर दिया है, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। आपको क्या करना है, एक ऐसा बड़ा स्क्रू ड्राइवर ले लेना है और एक्सीलेटर पैडल पे ऐसे लगा देना है, और लगा के सीट को आगे की तरफ कर देना है, और ये एक्सीलेटर पैडल को दबा के रखेगा, ठीक है। एंड दबाने के बाद आप इग्निशन ऑन करना, इग्निशन ऑन कर देना है, और ऑन कर देंगे तो ये देखिए ये खुल गया, ठीक है। अब खुल गया तो इसमें आप रस्ट ऑफ मारना आराम से, और कपड़ा मार के इसको साफ़ कर देना, मैं दिखाता हूँ ज़रा। तो दोस्तों थ्रोटल बॉडी को क्लीन करने के लिए ये देखिए कार्बेटर छपा हुआ है इस पर, ठीक है, एंड यहाँ देखिए कार्बेटर एंड थ्रोटल बॉडी क्लीनर, ठीक है, तो ये आता है इसका SF का, और ये थ्रोटल बॉडी क्लीनर आपको क्या करना है। और एक चीज़ और दोस्तों, ये जो है ना 2 से 3 मिनट बाद अपने आप ऑफ हो जाती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक बार इग्निशन ऑन करके ऑफ़ करके दोबारा ऑन कर देना है। अभी यहाँ क्या करना है, इसको क्लीन करने के लिए थ्रोटल बॉडी क्लीनर को इस पर आराम आराम से पुसारे पे इस पर मार देना है ऐसे, ठीक है, अच्छे से इसमें मारना है इसको पूरा अंदर तक जितना भी जा सके, ठीक है, क्योंकि अब क्या होगा ये जो इंजन स्टार्ट नहीं है एंड इसके अंदर ये कचरा जाएगा नहीं। आपको क्या करना है, जब ऐसे मार दो इसमें आप थ्रोटल बॉडी क्लीनर, तो स्क्रू ड्राइवर की सहायता से एक ऐसा कपड़ा स्क्रू ड्राइवर पे लगा लेना है, और अंदर इसमें डाल के इस तरीके से इसको ऐसे सही तरीके से आप इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है, ये देख रहे हो कितनी गंदगी निकली है, तो ये इस तरीके से साफ़ हो जाएगा दोस्तों, अच्छे से आपको
जहाँ तक आपका हाथ जाए या उंगली जाए आप डाल के इसको साफ़ कर देना, ठीक है, बढ़िया तरीके से इसको साफ़ कर देना आप। दोस्तों जब अंदर से क्लीन हो जाए तो आपको एक बार यहाँ पर भी मार देना है अच्छे से, ठीक है, ये जो चिड़िया है बाहर वाली इस पर भी आपको ये मार देना है, और मार के इस पर भी कपड़ा लगा के इसको भी सही से साफ़ कर देना है, ठीक है। तो थोड़ा सा यार आपको अलग अलग सा अजीब सा लग रहा होगा, यार अकेला हूँ ना मैं इसलिए अकेला बनाता रहता हूँ तो अच्छा सा नहीं लग रहा होगा आपको, ये हाथ लग रहा है। तो इसी तरीके से आपको अपनी गाड़ी की थ्रोटल बॉडी क्लीन करनी है। अभी मैं इग्निशन ऑन करता हूँ, ऑन करते ही देखना है खुलेगा, खुल के ये बढ़िया एकदम साफ़ दिखेगा आपको। तो ये देखो दोस्तों ये बिल्कुल अच्छी तरीके से अब साफ़ हो गया है। मैं एक बार इग्निशन ऑन करके दिखाता हूँ, इग्निशन ऑन होते ही आप देखना अंदर भी साफ मिलेगा आपको, देख रहे हो साइडों में यहाँ पर ये किनारी जो है ये बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ हो गया है। आपको भी अपनी गाड़ी में इसी तरीके से ही साफ़ करना है, एंड यही प्रोसेस है इसको क्लीन करने का, यही बेस्ट प्रोसेस है। और दूसरा एक फ़ायदा और हो गया आप लोगों को, बिना कनेक्टर निकाले आपकी गाड़ी की थ्रोटल बॉडी क्लीन हो गई। अब आपको डीलर पर जाकर थ्रोटल बॉडी की लर्निंग वगैरह, थ्रोटल बॉडी एक्चुएटर की सेटिंग वगैरह वो नहीं कराना पड़ेगा, उसमें आपके 1000 से 1200 रुपये बच जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, थ्रोटल बॉडी क्लीन हो गया है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वापस जिस तरीके से एयर फिल्टर वगैरह आप खोले हैं सारी चीज़ें लगा देनी है, लगाने के बाद एक दो बार इग्निशन ऑन करना है, गाड़ी लॉन्ग से हेल्प लेगी स्टार्ट होने में, क्योंकि थ्रोटल बॉडी क्लीन हुआ है। एक बार स्टार्ट होने के बाद फिर दिक्कत नहीं आएगी, आपकी गाड़ी ओके हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।